So here is your Stormy. Welcome back to Stormical. I hope you all are doing well. Sorry for bringing this video a bit late. I know थोड़ा लेट हो गया वीडियो लाने में, रियली सॉरी. और जैसे कि आप लोगों को पता है कि 5 तारीख और 6 तारीख मतलब कल और परसों आप लोगों का एडमिशन है सब, तो उसी के बारे में डिस्कस करना है इस वीडियो में आज. क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लाना है और आपका वो जो फीस कैसा पे करना है ऑनलाइन में, मैं आपको बता दूंगा अभी कैसा पे करना है वगैरह. और आपका हमारे टाइम पे एफिडेविट वो जो होता है ना, एंटी रैगिंग एफिडेविट, तो हमारे टाइम पे वो ऑफलाइन दिया जाता था, बट आपके लिए अच्छा है क्योंकि अब वो ऑनलाइन फॉर्मेट में लिया जा रहा है. तो चलो देख लेते हैं क्या क्या नोटिस में क्या क्या है और क्या क्या चेंजेस है. और एक मेजर चेंजेस है कि मुझे बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि भाई कॉलेज में कुछ यूनिफॉर्म वगैरह है क्या, तो हमारे ग्रुप में एक मैसेज आया था और सर भी बोल रहे थे कि डैट यूनिफॉर्म विल बी इंट्रोड्यूस्ड एज सून एज पॉसिबल. और फ्रेशर्स का अलग यूनिफॉर्म होने वाला है और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर का एक और यूनिफॉर्म होने वाला है. तो या यूनिफॉर्म आपको पहन के आना पड़ेगा कॉलेज. एक और चीज़ आप लोग पूछ रहे थे कि भाई हम पूरा अपना सामान वगैरह उठा के ले आएंगे, हॉस्टल में डायरेक्ट सेटल हो जाएंगे, तो वैसा नहीं होता है. आप पहले एडमिशन करोगे, फिर एक और नोटिस आएगा व्हेन यू आर गोइंग टू रिपोर्ट इन कॉलेज, फिर आपका क्लासेस वगैरह कब स्टार्ट होगा और आप हॉस्टल कब आओगे, तो उस लिए एक नोटिस आता है अलग से. तो आप खाली एडमिशन करके वापस चले जाना अपना घर, तो ठीक है. तो चलो देख लेते हैं नोटिस में क्या क्या चेंजेस दिया गया है और वो फीस कैसा भरना है, एफिडेविट कैसा करना है, वो कोड वगैरह चलो देख लें. सो या लेट्स बिगिन दिस वीडियो. और प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मुझे YouTube लिटरली बहुत पसंद है, YouTube वीडियो बनाना. तो या गाइस एक और चीज़ मैं बोलना भूल गया कि भाई आप बहुत सारे कमेंट्स करो, भाई ये है वो है, मतलब जो ज़रूरत है आप कमेंट किया करो. बट कॉलेज के बारे में अगर आपको जानना है तो ऑब्वियसली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा पेशेंस कर लो, क्योंकि जब आप एडमिशन करके जाओगे अपने घर के वापस, फिर आपका नोटिस आएगा कि क्लास कब से स्टार्ट होगा एंड यू विल बी जॉइनिंग द हॉस्टल एज वेल एज द कॉलेज, तो वो एक होल बंच ऑफ न्यू एक्सपीरियंस है. मैं वो एक्सपीरियंस आपका ख़राब नहीं करना चाहता. थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, आपका नया लाइफ स्टार्ट होने वाला है. सो गाइज let's see your notice. So guys, this is your notice, Parla Maharaja Engineering College notice for recording and commencement of classes of candidates for final admission into first year BTech and MTech program for the academic session 2022-2023. So chalo notice mein kya hai dekh lete hain. To aapka reporting hai, ye alag alag branches ka reporting hai, alag alag hall mein. Computer science ka 5 tarikh ko matlab kal hai, रूम नंबर 511 में और ETC का 411 में. तो डिफरेंट डिफरेंट हॉल में आपका होने वाला है, सेपरेट ब्रांचेस का सेपरेट हॉल में होने वाला है. और 5 तारीख और 6 तारीख आपने द रिपोर्टिंग टाइम इज 10:30 एज यू कैन सी ओवर हियर. द रिपोर्टिंग प्रोसेस विल टेक अबाउट 10-15 मिनट्स पर कैंडिडेट, बट इंक्लूडिंग वेटिंग टाइम यू मे नीड टू बी देयर फॉर 3-4 आवर्स. तो 3-4 घंटे में आपका काम हो जाएगा. और चलो ये सारे थोड़े थोड़े आप देख लेना क्या क्या लिखा गया है, मैं इतना सारा नहीं पढ़ पाऊंगा. सो या और आपका ये फी स्ट्रक्चर आप थोड़ा देख लो, क्योंकि अगर आपने OJEE में 10,000 रुपये डिपॉजिट किया है तो आपको 28,400 आपको पेमेंट करना पड़ेगा नॉन TFW स्टूडेंट्स. TFW और नॉन TFW होता है गाइज. तो जब आपने OJEE का आपको मिला होगा वहीं पे लिखा होगा कि PMSC मैकेनिकल ब्रांच या वॉट एवर विद द ब्रांचेस, वहीं पे लिखा होगा साइड में TFW. और अगर कुछ नहीं लिखा गया है वहाँ पे तो आप नॉन TFW हो, क्योंकि TFW बहुत ही रेयर बच्चों को मिलता है, जैसे कि ब्रांच में 2 या 4 बच्चों को मिलता है. तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना, तो आप मोस्ट प्रोबेबली एक नॉन TFW स्टूडेंट हो सकते हो. और अगर आप TFW स्टूडेंट्स हो तो यहाँ पे लिखा गया है कि आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा. सो या और हॉस्टल फैसिलिटीज़ मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि बॉयज़ के लिए इन कैंपस और ऑफ कैंपस दोनों हॉस्टल है, बट गर्ल्स के लिए सिर्फ इन कैंपस हॉस्टल ही है. अगर कोई बंदे को ऑफ कैंपस हॉस्टल में मिलता है तो बुरा मत सोचना, क्योंकि ऑफ कैंपस हॉस्टल भी इतना ख़राब नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. आप पूरा बिंदास रहोगे, आपके ना कोई सीनियर्स वहाँ पे होंगे और पूरा होल हॉस्टल ही आपका होगा, तो वहाँ पर थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है. तो दोनों ही हॉस्टल अच्छे हैं. और कैंपस हॉस्टल में अगर आप सोच रहे हो कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होगा
हॉस्टल से कॉलेज कैसे जाएंगे, तो कॉलेज का खुद का बस है, तो इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलो, ऑल फीस शुड बी मेड थ्रू ऑनलाइन, तो आपको सारा का सारा पैसा हॉस्टल एज वेल एज वो कॉलेज फी आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। चलो ये साइट ओपन करके देख लेते हैं। आई हैव रेड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन, फिर प्रोसीड। आपको यहाँ पे सिलेक्ट स्टेट आपको उड़ीसा कर देना है। फिर यहाँ पे आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कर लेना है, फिर गो। यहाँ पे आपको सिविल पाला महाराज इंजीनियरिंग कॉलेज बहरमपुर क्लिक कर देना है यहाँ पे, फिर सबमिट। फिर आपको कैटेगरी करना है फ्रेशर। आप यहाँ पे अपना नाम वगैरह, जेई मेन, रोल नंबर आपको देना है, फिर प्रोग्राम सेलेक्ट में क्लिक कर देना, सिलेक्ट प्रोग्राम बीटेक। देन ब्रांच आपका वो डिजायर्ड ब्रांच जो आपको मिला है वो आपको क्लिक कर देना है। फिर कैटेगरी यहाँ पे आपको मेंशन करना है, आप TAW कैटेगरी से हो या नॉन TAW कैटेगरी से हो। और फिर मोबाइल नंबर आपका प्रोवाइड करना है, ईमेल आईडी प्रोवाइड करना है, कॉलेज फी आपको वहाँ पे मैंने बताया था कि आप अगर TAW है तो आपका कॉलेज फी अलग है, और अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हो तो आपको यहाँ पे कर देना है, वो लिखना है कितना 30,000 था ना हॉस्टल फीस। और पूछ रहे थे कि भाई हम वहीं पे कॉलेज पे जाके करें पेमेंट या पहले से ही कर दे, तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप पहले से ही पेमेंट कर लेना। अगर ये वाला, आई होप आई हैव क्लियर ऑल योर डाउट। चलो, और ये जो है स्टूडेंट डिटेल्स ये आपको कर देना है पहले से ही फिलअप। ये बेटे यहाँ पे पूरा फी स्ट्रक्चर पूरा डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, तो आप ये थोड़ा देख लेना। और यहाँ पे आपको ये वाला पहले से ही फिलअप करके आना है, प्रिंट करके ये फिलअप कर देना। फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप दो दो ले आना ये पेपर प्रिंट करके, फिर एक में फिलअप कर देना, एक में फिलअप ना करना, ठीक है। वहीं पर अगर आपने कुछ गलत लिख दिया होगा तो वहीं पे कॉलेज में फिलअप कर देना एडमिशन के टाइम पे, ये आपको फिलअप नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लिखा गया है फॉर ऑफिस यूजेस ओनली। सो या गाइस, आई होप आई हैव क्लियर ऑल योर डाउट्स। हाँ, एक और रह गया, ये जो एंटी रैगिंग एफिडेविट है हमारे टाइम पे ऑफलाइन होता था, तो आपको यहाँ पे एफिलिएटेड कॉलेज पुट अप करना है, आपका नाम वगैरह सब डिटेल्स देना है, फिर आपका गार्डियन का डिटेल्स देना है। फिर यहाँ पे आपको करना है, मैं दिखा देता हूँ आपको क्या करना है, उड़ीसा। फिर जब यहाँ पे आप हमारा कॉलेज का नाम मारोगे, बारला इंजीनियरिंग कॉलेज, तो ऑटोमेटिक आपका कोड वगैरह सब आ जाएगा, ये देखो आ गया ना। फिर आपको यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट पुट अप कर दूंगा। आई होप आई क्लियर ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग द एडमिशन। और हाँ, अगर आप रहना चाहते हो कि भाई हम बहुत दूर से आए हैं और हम रहना चाहते हैं, हमारे मतलब कोई हॉस्टल वगैरह पे रह सकते हैं क्या, तो ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे एक गेस्ट हाउस है हमारे कॉलेज की तरफ से, तो आप अगर चाहते हो तो वहीं पे रह सकते हो आप, प्रिंसिपल से सिग्नेचर लेके आपको अराउंड। सो या गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आपका सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा इस वीडियो में। सॉरी फॉर ब्रिंगिंग दिस वीडियो अ बिट लेट। और चलो मिलते हैं, आपका एडमिशन हो जाए, और आप हमें बस याद रखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेट्स गो ब्रो।